इस कहानी की शुरुआत में हम पेरिस के एक थिएटर को देखते हैं, जिसमें से कुछ लोग हमें बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। यही हम एक लैप्सो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी सिगरेट को पीता हुआ मस्ती से जा रहा है। तभी अचानक दो लोग पीछे से आते हैं और उसे बेहोश करके किसी एक लैब में बंद कर देते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को उस लैब में बंद पाता है और देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे वहां चारों तरफ ब्लड के पैकेट लटके हुए नजर आते हैं। तभी उसकी नजर अपनी दाहिनी तरफ एक आदमी पर पड़ती है जिसका नाम ब्रेस रोज होता है, जिसकी बॉडी पर काफी एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का कलर नीला पड़ चुका है। साथियों, उसकी बॉडी में कुछ लाइट निकलती है जो नजर आती है। ये देखकर लैप्सो डर जाता है और वो लगातार अपनी मदद के लिए चीखने लगता है। अचानक यही सीन कट हो जाता है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर गिरी शिफ्ट हो जाता है, जो कि टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है, जिसके बाद गिरी को एक क्लब में बुलाया जाता है। अब वहां जाने के बाद गिरी को पता चलता है कि इस क्लब में कुछ टीनेजर्स को जाने से रोका गया। तब उन्होंने क्लब में आग लगा दी, जिस वजह से वहाँ चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। वहीं गिरी के लेफ्टिनेंट से भी मुलाकात होती है, वह भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। अब यहाँ के बिगड़े हुए हालात को ठीक करने के लिए पुलिस जुट जाती है। अब सेन गिरी पर शिफ्ट होता है। यहाँ के काम को देखने के बाद वह अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, जहाँ उसका सीनियर ऑफिसर उसे देख कर हजारों शिकायतें करने लगता है, क्योंकि गिरी बड़ी ही लापरवाही से काम कर रहा था। इसी कारण उसके सीनियर उसे काफी तीखे अंदाज में उसकी लापरवाही के कारण बता रहे हैं। साथ ही ऑफिसर यह भी कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं तुम्हें जॉब से निकाल देना चाहता हूँ, लेकिन पिछले कुछ अच्छाइयों के कारण तुम्हें एक चांस और देना चाहता हूँ, इसलिए हम तुम्हें एक पार्टनर भी दे रहे हैं। गिरी की पार्टनर का नाम लेफ्टिनेंट CCO होता है। वहीं सीनियर ऑफिसर कहता है कि शहर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करना है। लेफ्टिनेंट बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, इनके साथ मिलकर तुम इस इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से कर पाओगे। अपने सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर गिरी और लेफ्टिनेंट दोनों एग्री हो जाते हैं। अभी दोनों साथ मिलकर वहां से जाते हैं। यहीं पर हमें गिरी का पास्ट भी दिखाया जाता है, जहां पर वह 3 सुपरहीरो के साथ मिलकर काम किया करता था, सुपर क्रिमिनल केस पर काम किया करता था। इन्वेस्टिगेशन से लेकर सब कुछ हैंडल करने तक के सभी प्रोसेस को काफी शानदार तरीके से करता था। लेकिन अचानक गिरी के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है, गिरी को वो काम छोड़ना पड़ता है और तभी से उसका काम में दिल नहीं लगता था। इसी बेचैनी में उसे कैंडी खाने की आदत भी लग गई थी। कैंडी के एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक 17 साल के लड़के को दिखाया जाता है, जिसके अंदर सुपर पावर होती है। सुपर पावर सेवर अपने हाथों से फायर निकाल रहा होता है, जिस वजह से स्कूल के सारे बच्चे भाग रहे होते हैं। उस लड़के से सभी डर रहे होते हैं। तब ये खबर गिरी को मिलती है। तभी गिरी और CCO स्कूल में आते हैं। गिरी बड़े ही चालाकी से उस लड़के को पकड़ लेता है, फिर पुलिस के हवाले भी कर देता है। इस तरह स्कूल के बच्चे अब आज़ाद हो जाते हैं। वहीं गिरी जब उस लड़की के आसपास चेक करता है तो उसे सुपर पावर वाली क्यूज मिलती हैं, जिनमें एक सीरम होती है। इस सीरम को तोड़ने के बाद सूंघने पर एक सुपर ताकत आ जाती है। इस तरह बहुत सारे टीनेजर्स बच्चे इस सीरम का इस्तेमाल करके सुपर पावर लेने लगते हैं और शहर में तबाही मचाने लगते हैं। गिरी यह सब देखकर हालात को समझने लगता है। तभी उसके बाद लेफ्टिनेंट CCO आ जाती हैं, जो उसे कार में बैठाकर ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी गिरी की नजर स्कूल के बाहर बैठी एक लड़की लीली पर पड़ती है। अब गिरी लीली के पास जाता है, वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन तभी लीली की माँ वहाँ आती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। ये देखकर गिरी लेफ्टिनेंट के साथ वहाँ से चल जाता है। अब हम लीली के बारे में जान पाते हैं कि लीली गीगा मैन की बेटी है, जो कि रॉयल ग्रुप का लीडर हुआ करता था, लेकिन एक हादसे में गीगा मैन की डेथ हो गई थी। तब लीली की लगभग उम्र 5 साल की थी। लीली को अपने फादर की डेट का सदमा ऐसा लगा कि वह खुद में अब तक सुधार नहीं ला पाई। अब हमें दूसरे सीन में स्कूल के बाहर एक आदमी को दिखाया जाता है, जो स्कूल के टीनेजर्स के लिए सुपर सीरम सेल करता होता है। अब वह आदमी सारे क्यूब एक रूम में इकट्ठे सभी लड़के लड़कियों के पास लेकर जाता है, जहाँ सभी मिलकर उस क्यूब का यूज करते हैं। इस तरह वहाँ के ज्यादातर लोगों में सुपर पावर की ताकत आ जाती है।
अब यह सीरम क्यूब कहां से आ रही है, कौन बना रहा, यह चीज एक सवाल के रूप में उभर कर सामने आता। तभी हम फिर से गिरी को देखते हैं जो कि इन्हीं उलझे सवालों को सुलझाने की कोशिश में लग जाता है। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए वह रॉयल ग्रुप के एक आदमी हेनरी से मिलने जाता है जो कि गिरी का दोस्त भी है। हेनरी की बढ़ती उम्र से बीमारी की तरफ ले जा रही थी, इसलिए उसके खाने पीने का ख्याल भी गिरी ही करता है। आज शाम भी गिरी खाने का सामान लेकर यहाँ आया हुआ है। वहीं हेनरी का दिमाग काफ़ी तेज है, यूँ समझिए कि कंप्यूटर भी उसके सामने कमज़ोर है। इतना ही नहीं, वह एक काबिल डिटेक्टिव भी है। इसी बात को सोचते हुए गिरी ह्यूमन सुपर पावर से रिलेटेड हेनरी से क्वेश्चन भी करता है और कौन सी पावर है जिससे लोग अपने हाथों से फायर निकाल सकते हैं। हेनरी जैसे ये बात सुनता है वह तुरंत अपने डेटाबेस में इसका पता लगाने लगता है। यहाँ हेनरी को ब्रोशेरो के बारे में पता चलता है। अब हेनरी इस बारे में गिरी को सारी बातें बताता है और कहता है कि ब्रोशेरो की उम्र 42 साल की है, उसके कोई बच्चे नहीं हैं और ये कई बार जेल भी जा चुका है, हाथों में फायर निकालने की काबिलियत इसमें भी है। हेनरी की ये बात सुनकर गिरी उसकी और डिटेल लेने के लिए फौरन वहां से चला जाता है। तभी हमें हेनरी की पावर का पता चलता है जो चलती हुई गिरी के आगे चलकर उड़कर आ जाता है। तभी हम नाजा को देखते हैं, ये वही आदमी है जो सुपर पावर सीरम बना रहा है। उससे मिलने के लिए रूडी नाम का एक लड़का उसके पास आता है जो कि नाजा को लीली के बारे में बताता है, साथ ही उसकी पावर को भी बताता है। यह सुनकर वह उसे लेने के लिए और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहता है। अब अगले दिन रूडी लीली के स्कूल जाता है जहां उन दोनों की मुलाकात होती है। इस तरह रूडी लीली से दोस्ती करना चाहता है। जरा सी कोशिश के बाद लीली उसकी दोस्त बन जाती है और यहाँ तक कि रूडी उसे मुलाकात के लिए भी कहता है, जिस पर लीली राजी हो जाती है। वहीं गिरी को हम पुलिस स्टेशन जाता हुआ देखते हैं। तभी हेनरी की कॉल उसके पास आती है जो कि ब्रोशरों के बारे में उसे इन्फॉर्म करता है। कहता है कि वह जेल से छूटने के बाद पेरिस के एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और हाल ही में उसे कैलेस्ट्रा के साथ देखा गया है। उसने उसी के साथ एक रियल प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। अब कैलेस्ट्रा को दिखाया जाता है जो कि रॉयल ग्रुप में पार्टनर थी। इतना ही नहीं, उसके पास एक ऐसी पावर है जिस इंसान के फ्यूचर को भी पता लगाया जा सकता है, वहीं जिसके चलते वह सबके बारे में आसानी से जान लेती है। गिरी हेनरी की इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है। वह हेनरी से पूछ लेता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता चला। तब वो बताता है कि हीरो ट्रैकर साइट को यूज़ करके इस इन्फॉर्मेशन को निकाला गया है जिसमें सभी सुपर पावर रखने वाले लोगों की डिटेल दी गई है। अब यह सुनने के बाद गिरी कैलेस्ट्रा से मिलने जाता है जहां वह क्लब में होती है। गिरी उससे बोशरों के बारे में पूछता है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है, साथ ही बड़े रूडली बिहेव के साथ उससे बात करती है। इसके बाद गिरी को यहाँ से कुछ भी पता नहीं चलता, तब वह वहाँ से चला जाता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से एक डेड बॉडी मिलने की खबर मिलती है। यह सुनकर गिरी और लेफ्टिनेंट दोनों वही डेड बॉडी को देखने के लिए जाते हैं। लैब में जाकर इन्हें पता चलता है कि ये डेड बॉडी बोशेरो की है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि इसकी बॉडी में एक बूंद भी ब्लड नहीं है, ऐसा पोस्टमार्टम के दौरान पता चला है, और उसका ब्लड नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है। वहीं इसमें कुछ ब्लड है जो नॉर्मल इंसान के ब्लड से बिल्कुल अलग है। शायद इसी वजह से इसे मरने से पहले किसी ने उसकी बॉडी से सारे ब्लड को निकाल लिया है। उसके ब्लड को यूज करके सुपर सीरम बनाया जा रहा है। तभी डॉक्टर कहता है कि इस हॉस्पिटल में एक और लड़का एडमिट है जिसका ब्लड सेम डेड बॉडी के जैसा है, जिसका नाम आमिनो है। अब गिरी उस रूम में जाता है तो वह उस लड़के को देख कर डर जाता है। अब गिरी और लेफ्टिनेंट दोनों उस लड़के से सीरम के सप्लायर्स के बारे में पूछते हैं लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बताता। यह देखकर लेफ्टिनेंट उसे डराकर पूछती है और कहता है कि एक आदमी है जिसका नाम इस्माइल है, वही सारा काम कर रहा है। फिर वह उसका हुलिया भी बताता है जिसके जरिए पुलिस उसे आसानी से तलाशती है। यह सुनकर गिरी लेफ्टिनेंट के साथ तुरंत उस आदमी को तलाशने निकल पड़ते हैं। तभी हमें नाजा को भी दिखाया जाता है जो काफी परेशान होता है क्योंकि उसके सीरम के कुछ स्टॉक गायब हो चुके थे। अब उसका पूरा शक इस्माइल पर होता है क्योंकि वह कई दिनों से गायब भी है।
इस वजह से नाजा गुस्से में होता है। वो अपने कुछ लोगों को उसकी तलाशी के लिए भेजता है और कहता है कि जल्द से जल्द उसे तलाश कर उसके सामने लेकर आए। इस्माइल को पकड़ने के लिए नाजा के लोग गिरी की टीम दोनों ही उसके पास पहुंच जाते हैं। इस्माइल ये देखकर भागने लगता है। वह एक शॉप में जाकर छुप जाता है और अब उस छुपे हुए व्यक्ति को गिरी देख लेता है, इसलिए उस तक पहुंच जाता है। इधर लेफ्टिनेंट उसे पकड़ते ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इस तरह पुलिस स्टेशन में इस्माइल से हजारों सवाल किए जाते हैं, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका जवाब होता है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं बोलता, जिससे वह पुलिस की बातें नहीं सुन पा रहा या फिर मानो कि जन्मों का बहरा हो। तभी गिरी हेनरी को कॉल करता है और कहता है कि उस बॉशिरो के अलावा एक और सुपर हीरो का पता चला है। उस दौरान गिरी कहता है कि वह कौन है। तभी हेनरी बताता है कि उसका नाम लैप्सो है, जिसमें लोगों को अंधा करने की पावर है। इतना ही नहीं, वह दूर से लोगों को अंधा करके उनकी आंखों की रोशनी छीन लेता है। तभी पुलिस स्टेशन पर हमला होता है, जिस हमले को नाजा के लोगों ने किया होता है। ये लोग एलेप्सो के ब्लड से बने हुए सीरम का यूज़ करके आए होते हैं। इस तरह इन सब में अंधा करने की शक्ति आ गई थी। सभी हमले की घटना की खबर सुनकर गिरी और उसके पार्टनर भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ काफ़ी सारी फाइट होती है और बहुत से इंस्पेक्टर यहाँ अंधे हो जाते हैं। गिरी इस दौरान खुद को किसी तरह बचाता है, लेकिन नाजा के लोग लेफ्टिनेंट को अंधा करके छत से नीचे फेंक देते हैं। अभी लेफ्टिनेंट से अजीब सी पावर निकल रही होती है। यह देखकर गिरी जल्द ही उसके पास जाता है और अपनी पावर से उसे ठीक करता है। इस्माइल जाते जाते गिरी की इस पावर को देख लेता है और वो नाजा के लोगों से भी कह देता है, लेकिन नाजा के लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। अब इस्माइल नाजा के पास पहुँचता है तो वह अपने आदमियों से इस्माइल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने के लिए कहता है, लेकिन मरने से पहले इस्माइल भी सुपर पावर के बारे में बताता है। उसने एक नए सुपर हीरो को देखा है। ये बताने के बाद नाजा इस्माइल को मार डालता है। अब उसके मरने के बाद वह अपने आदमियों से कहकर गिरी के बारे में पता लगाने को कहता है। तभी हम कैलेस्ट्रा के स्टूडियो में कुछ स्टूडेंट को देखते हैं, जिसके पास नाजा का एक आदमी होता है और उन लोगों से कहता है कि इस सीरम का यूज़ करके कोई भी सुपरमैन बन सकता है। ये सुनने के बाद वह लोग भी सुपर सीरम का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका यूज़ करते ही मर जाते हैं। तभी हम पुलिस स्टेशन के अंदर लीली की माँ को देखते हैं, जो गिरी से मिलती है और कहती है कि उसकी बेटी लीली गायब हो गई है। काफ़ी तलाश करने के बाद भी अब तक नहीं लौटी है। वैसे लीली को भी नाजा ने कैद कर लिया था और उसके ब्लड का यूज़ करके न्यू सीरम बनाने की कोशिश कर रहा था। अब इधर गिरी लीली की कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसके घर जाता है, जहां उसे कैलेस्ट्रा नजर आती है। अब गिरी को देखकर खुद ही कहने लगती है कि लीली को तलाशने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। वह इतने अच्छे से इसलिए बोल रही थी कि उसके भी दो स्टूडेंट उसी समय मारे गए थे, लेकिन गिरी कैलेस्ट्रा के पिछले बर्ताव का बदला ले लेता है और उसकी तरफ देखता तक नहीं, खुद ही लीली का घर तलाशने लगता है, जहां पर नाजा के लोग आकर गिरी पर हमला करते हैं, उसे किडनैप करके राजा नाजा के पास लेकर जाने लगते हैं। ये सब लेफ्टिनेंट और कैलेस्ट्रा देख रही होती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। अब ये लोग उसके पीछे जाते हैं। तभी गिरी में अचानक सुपर पावर आने लगती है, वह उसका यूज़ करके बचने लगता है, लेकिन इस बीच फाइट होने लगती है। लेफ्टिनेंट भी आ जाती है, साथ ही में कैलेस्ट्रा भी आती है। ये लोग नाजा के लोगों पर फायर करने लगते हैं। इसी बीच गिरी को कई बुलेट लग जाती है। ये देखकर नाजा के लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी गिरी हुई हालत में फर्श पर गिर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह अपनी सुपर पावर से बॉडी में लगी सभी बुलेट्स को बाहर निकाल लेता है और ठीक हो जाता है। तभी लेफ्टिनेंट कैलेस्ट्रा से गिरी के बारे में पूछती है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि इसमें सुपर पावर कैसे आ गई है। तब पता चलता है कि कुछ साल पहले गीगा मैन ने गिरी की खूबियों को देखकर उसे अपने साथ रॉयल ग्रुप में चांस दिया, और फिर एक दिन जब गीगा मैन एक फाइट में फंस गया, तब वहाँ उसने गिरी से मदद ली। लेकिन जब गिरी न्यू था और अपनी पावर का ठीक से यूज़ नहीं कर पाता था, इन सभी कारणों से वह गीगा मैन की उस फाइट में मदद नहीं कर पाया, जिस वजह से वह मारा गया था। गिरी को बहुत दुख हुआ था। उसने कसम खाई थी कि वो आइंदा इस पावर का यूज़ कभी नहीं करेगा और इस ग्रुप को छोड़ देगा। अब यह सुनने के बाद लेफ्टिनेंट को गिरी के बारे में सब कुछ पता चल गया। वहीं अब हमें लीली के घर
से मिले नंबर के बारे में पता चलता है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर होता है जिसका नाम एलिजाबेथ है और यह नाजा के साथ काम कर रही है। वह उसकी सीक्रेट रिसर्च पर अपने क्लाइंट्स के ब्लड का यूज बड़ी ही चालाकी से करती हैं। अब यह सब पता चलने के बाद हेनरी एक क्लाइंट बनकर एलिजाबेथ के पास जाता है, जहां उसे बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से हेनरी के घर पर एक माइक सेट कर देता है ताकि इस तरह नाजा तक आसानी से पहुंचा जा सके। उसकी बातों को सुनकर कैलिस्ट्रा एलिजाबेथ को छिप छिप कर फॉलो करती हैं। इस तरह इन लोगों को नाजा की फुल डिटेल मिल जाती है। इधर गिरी 5-5 गोलियां लगने के बाद भी बेड पर ही था। हालांकि उसने खुद की गोलियां निकाली थी, लेकिन कमजोरी की वजह से उसका शरीर रिकवर नहीं हो पाया, जिसके चलते गिरी बेहोश हो जाता है। अब लेफ्टिनेंट के पास जाती हैं और उसे प्यार से जगाने लगती हैं। कहती हैं कि अब वक्त आ चुका है कि गिरी को उठना होगा, क्योंकि लिली को बचाने का समय यही है। इधर गिरी का सीनियर ऑफिसर नाजा के पास पुलिस फोर्स भेजता है उसे अरेस्ट करने के लिए, लिली को बचाने के लिए, लेकिन लेफ्टिनेंट का कहना होता है कि मैं खुद ही लिली को बचाऊंगी। अब यहाँ ऐसा होता है कि ये लोग नाजा के पास पहुँचते हैं। नाजा लिली को लेकर भाग रहा होता है, तभी गिरी अपने बेड से उठकर नाजा के पास पहुँच जाता है और सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तभी नाजा के सभी साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया होता है। नाजा लिली को साइड में पकड़ कर रखता है, लेकिन लिली भी अपनी पावर से नाजा को डिस्ट्रॉय करती है। तभी गिरी वहां आ जाता है। अब वह अपनी पावर से नाजा को फर्श पर गिरा देता है। इन दोनों को आपस में लड़ता देख लेफ्टिनेंट को चांस मिल जाता है। वह लिली को लेकर भागने लगती है। यह देख कर नाजा कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वह एक के बाद एक कई सारे क्लूब लेकर सुपर हीरो की बहुत बड़ी पावर ले आता है, लेकिन पीछे से गिरी नाजा को अटैक करता है और आसमान में लेकर उड़ जाता है। वहां चारों तरफ पावर वाली फाइट होती है, जिसके बाद नाजा खत्म हो जाता है। इस तरह गिरी लिली के साथ अपनी जान भी बचा लेता है। इसके बाद सब हमें खुशी से दिखाई देते हैं। अब क्या लेफ्टिनेंट ऐसे सुपर हीरो को खो सकती थी? वह गिरी के गले लगकर उसे किस करती हैं और इस तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।